हाय फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं फ्यूचर टेक्नोलॉजी आरसी यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज हम ट्रांजिस्टर को टेस्ट करने वाला एक टेस्ट बनाने जा रहे हैं, जो कि ट्रांजिस्टर को टेस्ट करके बताएगा ट्रांजिस्टर सही है या फिर ख़राब हो गया है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं वीडियो के अंदर बहुत सारे पॉइंट आपको बताता हूँ कहाँ पर कैसे और किसको कनेक्शन करना होता है। ठीक है दोस्तों, और इसका डायग्राम आपको वीडियो के अंदर ही मिल जाएगा। ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा मेरे पास एक एनपीएन ट्रांजिस्टर, जो कि BC547 या फिर आप कोई भी एनपीएन ट्रांजिस्टर यहाँ पर ले सकते हो टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यूज करूँगा एक ओटीजी पिन, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक मोबाइल, जिसके ज़रिए हम ट्रांजिस्टर को टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ओटीपी पिन को मैं पहले इसके अंदर से बाहर निकाल लेता हूँ। तो आप देख सकते हो इसके अंदर से कुछ इस तरह से निकला। ठीक है, जिसके ऊपर मैंने पहले भी कुछ प्रोजेक्ट बनाए थे, तो इसलिए यहाँ पर कुछ सोल्डरिंग वगैरह लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको चार पॉइंट देखने को मिल रहा है, जो कि बीच वाले दोनों का है डाटा के लिए, और जो दो साइड के जो दो है वो है आपका नेगेटिव और पॉजिटिव का सप्लाई। ठीक है, तो अभी हमें पहले ढूंढना होगा इन दोनों में से नेगेटिव कौन सा है और पॉजिटिव कौन सा है। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले टेस्ट कर लेते हैं। तो टेस्ट हम कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो इसको मैं पहले लगाता हूँ अपने मोबाइल पर। ठीक है, तो ये मैंने मोबाइल पर कनेक्ट कर दिया है। तो इसको चेक करने के लिए मैंने एक बनाया हुआ मल्टीमीटर ले रहा हूँ, और इस मल्टीमीटर के ज़रिए मैं चेक करूँगा कौन सा वाला पॉजिटिव और कौन सा वाला नेगेटिव। तो यहाँ पर है रेड और ब्लैक, रेड यानी कि पॉजिटिव और ब्लैक यानी कि नेगेटिव। ठीक है, तो मैं पहले रेड को इस वाले टर्मिनल पर और ब्लैक को यहाँ पर लगाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रेड कलर का LED जो है ऑन हो रहा है, और यहाँ पर बॉजर बज रहा है, यानी कि ये जो कनेक्शन है रॉन्ग कनेक्शन है, यानी कि ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव नहीं है। तो अगर मैं रेड को इस साइड पर लगाता हूँ और ब्लैक को इस साइड पर कनेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर ग्रीन शो कर रहा है, यानी कि जो कनेक्शन हमने किया है ये सही है, यानी कि ये वाला साइड पॉजिटिव और ये वाला साइड नेगेटिव है। ठीक है, और दोस्तों ये छोटा सा मल्टीमीटर है, इसके ज़रिए आप ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, आईस, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ये बनाना चाहते हो, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इसको देख करके बना सकते हो। ठीक है, हाँ तो दोस्तों मैं इसको थोड़ा मार्क कर लेते हैं कौन सा वाला साइड पॉजिटिव है और कौन सा वाला साइड नेगेटिव। तो यहाँ पर मैंने रेड का एक पॉइंट ले लिया है, यानी कि ये वाला है पॉजिटिव और उसका अपोजिट है नेगेटिव। दोस्तों यहाँ पर मैं तीन फीमेल का पिन ले रहा हूँ, जिसके ज़रिए हम ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं तीन कलर का ले रहा हूँ। तो ये जो है ये मैं ले रहा हूँ एमीटर के लिए। ठीक है, तो इसको मैं इसका जो नेगेटिव है वहाँ पर मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये रहा इसका नेगेटिव, तो इसको मैंने इसके नेगेटिव पर कनेक्ट कर दिया है। दोस्तों अभी हमें लेना होगा 470 ओम का रेजिस्टेंस। अगर आपके पास 470 ओम का नहीं है, तो आप यहाँ पर 1 kΩ का रेजिस्टेंस भी यूज कर सकते हो। और इस रेजिस्टेंस को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ ओटीजी का जो पॉजिटिव वाला पिन है वहाँ पर। यहाँ पर मैं भी एक और वायर ले रहा हूँ और इसको इस रेजिस्टेंस पर कनेक्ट कर रहा हूँ, जो कि बेस का पिन है। दोस्तों यहाँ पर मैं एक और 470 ओम का रेजिस्टेंस ले रहा हूँ, और इसको इसका जो पॉजिटिव है ओटीजी का जो पॉजिटिव है वहाँ पर मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी हमें लेना होगा कि LED और इस LED के पॉजिटिव को ये जो रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया था वहाँ पर मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने LED के पॉजिटिव को कनेक्ट किया हुआ है। और दोस्तों अभी हमें लेना होगा एक बोजर, तो बोजर का दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव का साइन यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये वाला है इसका पॉजिटिव। ठीक है, तो इसके पॉजिटिव को मैं OTG के पॉजिटिव या फिर आपने जहाँ पर इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है वहाँ पर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। दोस्तों अभी मैं एक पीस वायर ले रहा हूँ, और इस वायर को ये जो बोजर का जो नेगेटिव है वहाँ से कनेक्ट करते हुए मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ LED के नेगेटिव पर। एक और पिन ले रहा हूँ, जो कि कलेक्टर का पिन, और इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ इस LED के जो नेगेटिव वाला पिन है वहाँ पर। तो याद रखिए, ये वाला है इसका एमिटर, ये है इसका बेस, और ये इसका कलेक्टर। ठीक है, ये मत भूलिएगा, ये है एमिटर, ये है बेस, और ये है कलेक्टर। अगर आप उल्टा कनेक्शन कर दोगे तो आपका ये सर्किट वर्क नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, हमारा सर्किट पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुका है, तो अब बारी आता है इसको टेस्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए इसको मैं मोबाइल पर कनेक्ट करता हूँ। तो इसको मैंने मोबाइल पर कनेक्ट कर दिया है। तो अभी मैं लेता हूँ एक ट्रांजिस्टर,
तो ये है एक एन पिन ट्रांजिस्टर, इसका यह है एमिटर, यह है बेस और यह है कलेक्टर, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया था, ये था इसका एमिटर, ये था बेस और ये था कलेक्टर, ठीक है। तो एमिटर को एमिटर पर और बेस को बेस पर, कलेक्टर को कलेक्टर पर। जैसे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर एक LED ग्लो कर रहा है और जो बोजर है साउंड कर रहा है, यानी कि जो ट्रांजिस्टर ये सही है। तो यहाँ पर आप ख़राब ट्रांजिस्टर को कैसे चेक कर सकते हो, तो आपको इसका जो बेस है उसको साइड में रखना होगा, ठीक है। आपको लेना होगा सिर्फ एमिटर और कलेक्टर, ठीक है। तो एमिटर को एमिटर पर और कलेक्टर को कलेक्टर पर, या फिर आप उल्टा भी कनेक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर ना तो LED ग्लो कर रहा है, ना तो पोजर साउंड कर रहा है, यानी कि जो ट्रांजिस्टर है ठीक है। अगर ये ट्रांजिस्टर ख़राब होता तो सिर्फ कलेक्टर और एमिटर पर पिन कनेक्ट करते ही ये जो बोजर है बजना शुरू कर देता। अगर आप इसको उल्टा भी कनेक्शन करोगे तभी वही रिजल्ट है, यानी कि जो ट्रांजिस्टर सही है, ठीक है। अगर ये ट्रांजिस्टर ख़राब होता तो सिर्फ कलेक्टर और एमिटर को कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर ये जो LED ग्रो करता है और बोजर जो है साउंड करना शुरू कर देता, ठीक है। तो इसी तरह आप एक NPN ट्रांजिस्टर को यहाँ पर चेक कर सकते हो। अगर आप PNP ट्रांजिस्टर को भी चेक करना चाहते हो या फिर उसके ऊपर वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बना दूंगा। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना, और अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बहुत सारा लाइक, बहुत सारा कमेंट कर दीजिए।